दिव्यांगों के लिए पुनर्वास केंद्र बनाने की मांग को लेकर दिव्यांगजन प्रभारी मंत्री से मिले और अपनी मांगे रखी। शारीरिक कष्टों से जूझ रहे दिव्यांगजनों के साथ शासन प्रशासन के नुमाइंदे ही नहीं बल्कि जनप्रतिनिधियों की घोर लापरवाही और उदासीनता भी एक बड़ा कहर डालती है। यही हालत है कि दिव्यांगजनों को समय पर कोई सुविधा नहीं मिल पाती और वे लाचार होकर किसी के सामने भी नहीं आ पाते। ऐसी परिस्थितियों में एक मामला आज उस समय सामने आया जब दिव्यांगजन एकत्रित होकर प्रभारी मंत्री के सामने पहुंचे। ताज्जुब की बात यह है कि नीमच जिले में दिव्यांगों के लिए पुनर्वास केंद्र तक नहीं है। नीमच जिले में विकलांगों के लिए पुनर्वास केंद्र प्रारंभ करने की मांग को लेकर दिव्यांगजनों ने आज प्रभारी मंत्री से मुलाकात की और उन्हें ज्ञापन सौंपा। दिव्यांगजनों का कहना है कि पुनर्वास केंद्र नहीं होने से शासन की योजनाओं का लाभ उन्हें समय पर नहीं मिल पाता और उपकरणों के लिए भी उन्हें चक्कर लगाने पड़ते हैं। करीब 20 साल पहले जावर में पूर्व केंद्रीय मंत्री सत्यनारायण जटिया द्वारा पुनर्वास केंद्र प्रारंभ किया गया था लेकिन बाद में उस पर भी ताले डल गए। अब स्थिति यह है कि दिव्यांग अपनी समस्याओं को लेकर जाएं तो कहां जाएं? अगर पुनर्वास केंद्र होता तो आज दिव्यांगों के पास अपनी समस्या सुलझाने का एक माध्यम होता। दिव्यांगों की समस्याओं के समाधान के लिए विभिन्न श्रेणी के जो दिव्यांग लोग रहते हैं उनकी समस्या के लिए केंद्र सरकार द्वारा देश के हर जिले में दिव्यांग पुनर्वास केंद्र स्वीकृत किए गए थे। नीमच जिले में भी 2003 में दिव्यांग पुनर्वास केंद्र स्वीकृत हुआ है लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि शासन प्रशासन इन 19 सालों में भी दिव्यांग पुनर्वास केंद्र के लिए दिव्यांगों की समस्या समाधान का केंद्र के लिए जमीन उपलब्ध नहीं करा पाया। यह बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है और आज हम प्रभारी मंत्री महोदय को संज्ञान में लाने के लिए कि वो जमीन का आवंटन तत्काल हो इसलिए हम सभी दिव्यांग साथी संस्था के लोग यहाँ पधारे हैं। इस सरकार के जो पूर्व मंत्री थे वर्ष 2003 में उन्होंने जो है जावत थाने के पास पुनर्वास केंद्र का भूमि पूजन भी किया था। उसके बाद भी जो है अभी तक भूमि आवंटन नहीं हुई, कितनी बड़ी विडंबना मानते हैं? ये बड़ी विडंबना की बात है कि 2003 में जिले में दिव्यांगों की सुविधा के लिए दिव्यांग पुनर्वास केंद्र का स्वीकृत होना और 18 सालों में भी उसके लिए जमीन आवंटन नहीं होना इससे बड़ी विडंबना और क्या हो सकती है? कौन से मंत्री ने भूमि पूजन किया था? ये केंद्रीय मंत्री उस टाइम सत्यनारायण जी जटिया सामाजिक न्याय मंत्री थे, उन्होंने जावत में इसका शिलान्यास किया था पुलिस थाने के पास।